गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माई चैनल। सो टूडे वी विल डिस्कस MSc एंट्रेंस पेपर। आप चाहे बायो के किसी भी सब्जेक्ट से हैं, इवन माइक्रोबायोलॉजी से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, या लाइफ साइंस से हैं, जूलॉजी से हैं, बट CUCET का जो आपका कॉमन पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है। अलग अलग पेपर नहीं आएगा कि बायो केमिस्ट्री का अलग आएगा, लाइफ साइंस का अलग आएगा, कॉमन पेपर होता है। ये जनरली दो पार्ट में डिवाइड रहता है। पार्ट ए कंटेन 25 क्वेश्चन एंड पार्ट बी कंटेन 75 क्वेश्चन। पार्ट ए रिलेटेड टू जनरल एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड इंग्लिश, एंड पार्ट बी मस्ट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, स्पेशली बायोलॉजी। इसमें आपके बॉटनी के क्वेश्चन भी आते हैं, जूलॉजी के भी आते हैं। सो लेट्स डिस्कस पार्ट बी, क्वेश्चन 26। ओके, सो विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ DNA अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जो DNA की मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, इट्स ए BDNA। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि DNA को स्टेबिलिटी को मेंटेन कौन करता है, कौन बनाकर उसे रखता है। सो टू फैक्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ DNA डबल हेलिक्स। वन इज दैट बेस पेयरिंग बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एंड सेकेंड इज स्टैकिंग बिटवीन एडजेसेंट बेस। तो जो बेस स्टैकिंग है वो एक मोस्ट स्टेबिलाइजिंग फैक्टर है। और जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर अगर कोई DNA की मोस्ट स्टेबल फॉर्म है तो वो क्या है, BDNA। यहाँ पर ऑप्शन में आपका बी नहीं दिया हुआ है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नेक्स्ट 27। RNA इज ए जेनेटिक मटेरियल इन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बट इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब भी आप पढ़ते हैं तो कुछ वायरसेस HIV हैं, इनके अंदर आप RNA इज ए जेनेटिक मटेरियल देखते हैं। सो Here the correct option must be some viruses only, not occur in prokaryotes, not occur in primitive eukaryotes. Okay, so moving to question next 28. The process of synthesis of glucose from fat is, यानी body में glucose का level है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ऐसे case में जो फैट है, फैट का ब्रेकडाउन होता है और फैट है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। सो कन्वर्जन ऑफ फैट टू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी आप किसी नए प्रोडक्ट से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी ग्लूकोनियोजेनेसिस। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन। सो जो जनरली बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड का, काफी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बीटा ऑक्सीडेशन से। तो बीटा ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इज ऑल्सो सिंपल। द प्रोटीन सिक्वेंस्ड बाई फेडरिक सेंगर वाज, फेडरिक सेंगर नाम के साइंटिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले एक प्रोटीन को सिक्वेंस किया था, कौन सा है, इंसुलिन। तो उन्होंने इंसुलिन को सिक्वेंस किया था कि उसके अंदर कितनी अमाइनो एसिड प्रजेंट हैं, कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पर प्रजेंट है, कितने अमाइनो एसिड का बना है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 31। सीक्रेटरी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, सो सीक्रेटरी प्रोटीन्स में इंक्लूड मैनी हॉर्मोन्स, टॉक्सिन्स, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। यानी जो हॉर्मोन्स हैं, टॉक्सिन हैं, एंटी माइक्रोबियल्स पेप्टाइड्स हैं, ये सभी किस में आते हैं, सीक्रेटरी प्रोटीन्स के अंदर आते हैं। तो सीक्रेटरी प्रोटीन्स हैं वो कैसे सिंथेसाइज होती हैं, कौन सिंथेसाइज करता है। तो जनरली
राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं और ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स का सिंथेसाइज करते हैं। सेल के अंदर जनरली दो प्रकार की प्रोटीन बनती हैं, देखिए यहाँ पर एक है सोल्यूबल प्रोटीन्स और दूसरा है सिक्रेटरी प्रोटीन्स। दो प्रकार की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया जाता है, दोनों का ही फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है। जो सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं वो फ्री राइबोसोम्स बनाते हैं, यानी सेल के साइटोसोल्स में जो फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, यानी राइबोसोम्स किसी भी ऑर्गेनेल से अटैच नहीं है, तो ऐसे राइबोसोम्स जनरली सिक्रेटरी प्रोटीन्स बनाते हैं, सॉरी सोल्यूबल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्री राइबोसोम्स क्या करेंगे, सोल्यूबल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे और जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स है उन्हें मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स हैं वो किसको सिंथेसाइज करेंगे, सिक्रेटरी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 32, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन्स विटामिन एज। तो कोबाल्ट कंटेनिंग जनरली विटामिन B12 इज ए कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन्स, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी डी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द टेक्निक फॉर DNA एम्प्लीफिकेशन इज। तो DNA का हमें एम्प्लीफिकेशन करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज में लेते हैं, जनरली PCR को हम DNA एम्प्लीफिकेशन के यूज में लेते हैं। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इज यूज फॉर DNA एम्प्लीफिकेशन। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 34, फॉर प्रोटीन डिटेक्शन मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोब इज। किसी भी प्रोटीन को अगर हमें डिटेक्ट करना होता है तो उसके लिए एंटीबॉडी के जो प्रोब्स हैं उनको जनरली यूज किया जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस यानी PTM, क्या है PTM, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन PTM और प्रोटीन आर डिटेक्टेड बाय। तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या होता है कि प्रोटीन कम्प्लीटली बन जाता है और प्रोटीन बनने के बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, किसी प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच रहता है, किसी के साथ में लिपिड अटैच रहता है, किसी के साथ में कुछ ग्लाइकोलिपिड्स मॉइटी अटैच रहती हैं। तो इस तरीके का अगर कोई प्रोटीन है तो उसे हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोटीन कहते हैं और PTM को डिटेक्ट करने के लिए एस्ट्रन ब्लॉटिंग का यूज किया जाता है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, इन साइटोप्लाज्म सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट राइबोसोम इज कॉल्ड। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। सो ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, थर्मस एक्वाटिक्स एक बैक्टीरिया है और ये जो हीट गर्म झरने होते हैं उनके ऊपर जनरली ये हाई टेम्परेचर वाली जो कंडीशन होती है वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इनके अंदर एक एंजाइम को डिस्कवर किया गया था टैग पॉलीमरेज, जिसका यूज हम किस में करते हैं, PCR के अंदर यूज करते हैं और ये एंजाइम टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंजाइम है। ओके, सो देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 38, द फर्स्ट स्टेप ऑफ PCR इज। तो PCR के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होती है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जब भी हम करते हैं तो पहले क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं और डीनेचुरेशन की प्रोसेस के बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा PCR का, डीनेचुरेशन। फिर क्या करते हैं, अनीलिंग करते हैं, नंबर टू अनीलिंग हो जाएगा एंड नंबर थ्री है वो एक्सटेंशन होता है, प्राइमर एक्सटेंशन, एंड नंबर जो फोर है वो आपका होता है साइक्लिंग। नंबर फोर साइक्लिंग। PCR की चार स्टेप होती हैं,
और चार में से जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, डीनेचुरेशन. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी ए. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर यूजेज. ये पीसीआर का ही एक टाइप है. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो एमआरएनए है उसको एज ए टेम्पलेट के रूप में यूज़ करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सीडीएनए का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, डीएनए वुड माइग्रेट टुवार्ड्स. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो डीएनए है वो किस तरफ माइग्रेट करेगा. तो यू वेल नो डैट कि डीएनए एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. जब भी हम डीएनए को मूव कराएंगे तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा. तो कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये क्या करेगा, मूव करेगा. इधर की तरफ कैथोड लगे हैं जेल के अंदर. देन मूविंग टू नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेल यूज इन डीएनए सेपरेशन इज. सो डीएनए सेपरेशन में जनरली एगारो जेल है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है. अगर डीएनए 1000 बेस पेयर है या 500 बेस पेयर का डीएनए है या 100 बेस पेयर के डीएनए है, इस तरीके के डीएनए को जब हम सेपरेट करते हैं तो जो एगारोज की कंसंट्रेशन है वो कितना रखते हैं, 2.5 कंसंट्रेशन रखते हैं एगारोज का. और अगर हमें बड़े डीएनए को सेपरेट करना है तो आप एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल 25 केबी का एक डीएनए है, हियर इज 25 केबी डीएनए. अगर आपको इसको सेपरेट करना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लार्ज सेगमेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है, तो जो बड़े सेगमेंट होते हैं उनके लिए एक अलग टेक्निक चलता है, उसे कहते हैं प्लस फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीएफजी टेक्निक्स का यूज किया जाता है. और स्मॉल जो सेगमेंट होते हैं उसे हम नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, 42, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफ्रे का नाम आपने सभी ने सुना है, उन्होंने इसे डेवलप किया था. एंड द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है इंडिया के अंदर, डॉक्टर लालजी सिंह, ही इज बिलोंग फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. देन मूविंग टू नेक्स्ट, 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए यूजिंग एमआरएनए टेम्पलेट. तो एमआरएनए टेम्पलेट का यूज करके क्या बनाना है, हमें डीएनए का फॉर्मेशन करना है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वेल काम कर सकता है यहाँ पर. देन मूविंग टू नेक्स्ट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज ए टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ. तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक है उसका यूज हम जनरली किसी प्रोटीन को, प्रोटीन जो सैंपल है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. सो लेट्स सी द ऑप्शन, स्पेसिफिक एमआरएनए ने सैंपल नहीं, एमआरएनए के लिए हम क्या करते हैं, नदन ब्लॉटिंग करते हैं. स्पेसिफिक डीएनए इन ए सैंपल नो. डीएनए अगर हमें डिटेक्ट करना हो तो क्या यूज करेंगे, सदन ब्लॉटिंग करेंगे. और अगर हमें प्रोटीन डिटेक्ट करनी हो तो क्या करेंगे, हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, 45, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल टू डिटेक्ट एमआरएनए इन ए सैंपल. मैंने अभी बताया आपको सैंपल में आपको एमआरएनए डिटेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करेंगे. तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज एमआरएनए डिटेक्शन के लिए किया जाता है. तो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी सी. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, 46, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ. तो मैक्सिमम जो एप्लीकेशन एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का वो क्या है, वैक्सीन प्रोडक्शन के अंदर है.
So here the correct option must be D. Then moving to question next, 47. The use of living microorganisms to degrade environmental pollutants is called. तो जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करते हैं. ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायो रिमेडियन कहते हैं. ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड सुपर बग डेट कुड क्लीन ऑयल स्पिल्स. यानी अगर ओशियन का एरिया हो या समुंदर हो, बहुत सारा तेल हो जाए, ऑयल हो जाए, तो ऐसे केस में वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो नष्ट हो सकती है. तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि स्यूडोमोनास पुटीडा को यहाँ पर ग्रो करवाते हैं और ये ऑयल फीडिंग बैक्टीरिया होते हैं. जब तक ऑयल रहेगा ये फीड करते रहेंगे, जैसे ऑयल ओशियन में या मेराइन में ख़त्म हो जाता है तो ये इनकी डेथ हो जाएगी. सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी ए, स्यूडोमोनास पोटीडा. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, 49. द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इंजीनियर्ड प्लाज्मिड वेक्टर इज. तो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो कौन सा है, पीबीआर 322. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी बी. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, 50. The virus mediated gene transfer using genetically modified bacteriophage is called. So जो virus mediated gene transfer हैं वो किसके अंदर आती हैं, transduction के अंदर आते हैं. Then moving to next, which of the following processes is an exception of Mendel's law? तो म्यूटेशन है वो मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन है. बाकी सारी करेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस भी आती हैं, लिंकेज भी जो होता है, क्लोन भी आता है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी ए. देन मूविंग टू नेक्स्ट, द क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड. तो हम जो F1 जनरेशन है, सपोज़ फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, ये हमारा F1 जनरेशन हो गया. और इस F1 जनरेशन के साथ में अगर हम किसी रिसेसिव का क्रॉस करें, रिसेसिव मीन स्मॉल टी, तो इस तरीके का जो क्रॉस है इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं. देन मूविंग टू नेक्स्ट, ए क्रॉस बिटवीन टू वाइट फ्लावर. दो वाइट फ्लावर हैं आपके पास, हियर इज वन एंड अनदर इज वन. वेराइटीज ऑफ स्वीट पी यील्ड पर्पल फ्लावर. जब हम इन दोनों वाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो जो फ्लावर बनता है वो पर्पल फ्लावर आता है. तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्यों आया, पर्पल कलर आने का मतलब क्या है. जनरली क्या था कि इस वाइट फ्लावर की जीन के साथ में, जो प्लांट ए है उसके साथ में कोई एक जीन था ए, जो अकेला एक्सप्रेस नहीं हो सकता, और इधर की तरफ कोई एक जीन और था बी, ये भी अकेला एक्सप्रेस नहीं हो सकता. लेकिन अगर दोनों पास में आ जाएं, यानी कॉम्प्लीमेंट हो जाएं, एक दूसरे से अगर जुड़ जाएं, तो क्या बनता है, पर्पल फ्लावर बनेगा. तो इट मींस कि क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जीन आपस में मिल गई हैं. तो किस तरीके की जीन हो जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन. नाम से याद रखिए, जेनेटिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है. सो मूविंग टू नेक्स्ट, 54. हार्मफुल म्यूटेशन डू नॉट गेट इलिमिनेटेड फ्रॉम जीन पूल, बिकॉज जो हार्मफुल म्यूटेशन हो वो उनको हम जीन पुल से इलिमिनेटेड नहीं कर सकते.
क्योंकि पहली बात तो वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, और दूसरी बात हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स के जरिए वो कैरी होते हैं, इसलिए हम उनको क्या नहीं कर सकते, इलिमिनेट नहीं कर सकते। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी सी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, जीन विच इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इन अदर जीनेज। तो ऐसी जीन है जो म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और उस जीन को क्या कहेंगे, म्यूटेटर जीन कहेंगे, सॉरी म्यूटा जीन कहेंगे। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन बी, म्यूटेटर जीन। देन मूविंग टू नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रिमेन लिंक्ड, अगेन जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड। लिंक्ड की बात हो रही है और दोनों जो जीन हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी नहीं होनी चाहिए। तो एक क्राइटेरिया है कि वो 40 मैप यूनिट तक उनकी डिस्टेंस है वो बनी रहती है, लेकिन अगर वो 40 मैप यूनिट से डिस्टेंस अगर दो जीन के बीच की इंक्रीज हो गई, जैसे सपोज ए और यहां पर जीन बी है, अगर 50 से या 40 से इनकी डिस्टेंस बढ़ गई तो ऐसे केस में इनमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस रहेंगे। तो दो जीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 मैप यूनिट से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट इसका आंसर निकालते हैं तो 50 तक क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 40 मैप यूनिट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, जीन शेयर्स आर, तो जीन शेयर्स क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लिएज होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंडोन्यूक्लिएज। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 58, रेगुलेटेड यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज ट्रम्प्ड। तो रेगुलेटेड मैनर के अंदर जो यूनिट रहती हैं, सपोज एक फॉर एग्जांपल एक जीन है, ये जीन ए है, और जीन ए रेगुलेटेड है, मतलब इसके साथ में यहाँ पर कोई रेगुलेटरी पोर्शन जुड़ा हुआ है, सपोज ऑपरेटर जुड़ा हुआ है, इस जीन का प्रमोटर जुड़ा हुआ है, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई इनिबिटरी जीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब कोई भी जीन, जैसे जीन ए भी हो सकती है, जीन बी, जीन सी, सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई तीन जीन है और तीन जीन को रेगुलेट करके रखा है किसने, ऑपरेटर प्रमोटर ने रेगुलेट करके रखा है। तो ये जो सारी यूनिट है, पूरी जो रेगुलेटेड यूनिट है, इसे हम ओपेरोन कहते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, सिस्ट्रोन इज, तो सिस्ट्रोन डीएनए का एक फंक्शनल यूनिट है, तो डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं। सो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सिस्ट्रोन। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द टर्म जीन वाज कॉइंड बाय, तो डब्ल्यू जोहानसन ने जीन टर्म को कॉइन किया था। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय, तो बैक्टीरिया के अंदर दो तरीके के ट्रांसडक्शन होते हैं, एक जनरलाइजेशन ट्रांसडक्शन होता है और एक स्पेशलाइजेशन ट्रांसडक्शन होता है, स्पेशलाइजेशन ट्रांसडक्शन एंड जनरलाइजेशन ट्रांसडक्शन। अब दोनों की खास बात क्या है, स्पेशलाइजेशन के अंदर और जो जनरलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें, तो जनरलाइजेशन ट्रांसडक्शन के अंदर
transfer and packaging of pure bacterial DNA into the virus. मतलब कोई bacteriophage है, उसके अंदर हम प्योर DNA को पैक करते हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज है उसके अंदर DNA का स्मॉल पार्ट ही पैक करते हैं. जनरलाइजेशन ट्रांसडक्शन की खास बात होती है कि इसके अंदर जो bacteriophage किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो लाइटिक कंडीशन के अंदर होता है. ध्यान से समझिए, लाइटिक कंडीशन के अंदर होता है. एंड जो स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन है, इसके अंदर जो bacteriophage है वो लाइसोजेनिक कंडीशन के अंदर होता है. सो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय लाइसोजेनिक फाज. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 62. द अरेंजमेंट इन विच फ्लेजिला आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द बैक्टेरियल सेल इज नॉन एज. तो फ्लेजिला है वो बैक्टेरिया के ऑल अराउंड डिस्ट्रीब्यूट है. तो इस तरीके के जो बैक्टेरिया होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिट्राइकस. सो फ्लेजिला सराउंडिंग द सेल. देन अगर हम एम्फीट्राइकस की बात करें तो एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि एक सिंगल फ्लेजिला होता है, एक सिंगल फ्लेजिला है और वो आगे से पीछे के एंड की तरफ जुड़ा रहता है. ओके, ए सिंगल फ्लेजिलम्स कैन एक्सटेंड बोथ एंड ऑफ द सेल. देन अगर हम मोनोट्राइकस की बात करें तो एक ही फ्लेजिला होता है, और अगर हम लोफोट्राइकस की बात करें तो बहुत सारे फ्लेजिला होते हैं, वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज. तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर जनरली हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, सेफ्रेनिन का यूज करते हैं. तो काउंटर स्टेन जब भी हम करते हैं तो क्या यूज करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट का यूज किया जाता है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. द स्मॉलेस्ट वायरस रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमसली इन यूकैरियोटिक सेल इज. सॉरी यहां पे इन है, इन यूकैरियोटिक सेल इज सिरकोवायरस. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी सी. देन मूविंग टू नेक्स्ट 65. इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन इज कॉल्ड. यानी आरएनए के पार्टिकल्स हैं लेकिन उन आरएनए के पार्टिकल्स के साथ किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन अटैच नहीं है. बट ये पार्टिकल क्या है, इन्फेक्शियस हैं, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ये कोज कर सकते हैं. तो डेट टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वायरॉइड्स. देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 66. नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इज. तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के अंदर जो फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, लैक्टिक एसिड. So here the correct option must be A. Then moving to question number 67. Anabina, a end to fixer, is present in the root pocket of. तो anabina है एक end to fixer है, और वो किसकी root pockets में present होता है, azolla के root. ठीक है. Then moving to next. The ability of bacteria to change their morphological form frequently. तो बैक्टीरिया है वो अपनी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म को फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिजम्स कहते हैं. सो दिस प्रोसेस प्लियोमॉर्फिजम्स. देन मूविंग टू नेक्स्ट
again question from microbiology, and it's a very simple question. Bacterial cell wall is made up of, so generally bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Then moving to next question 70, which of the following is called a Brewer's yeast? तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी है, उसे ब्रेवर्स यीस्ट कहते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी बी. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, कंडक्टिंग टिश्यू इन मॉस इज मेड अप ऑफ. तो मॉस के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो जाइलम से बने होते हैं. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट. देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 73, सर्सिनेट वर्निशन इज फाउंड इन, ये कोई प्लांट की अडेप्टिव कंडीशन है. अडेप्टिव कंडीशन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट के जो लीफ पार्ट होते हैं वो ऊपर की तरफ इस तरीके से कोइल हो जाते हैं. इस तरीके की जो कोइल वाली कंडीशन है ये क्या है, सर्सिनेट वर्निशन है. और जनरली सर्सिनेट वर्निशन अकर इन टेरिडोफाइट्स, स्पेशली इन फर्न्स. बट साइकस के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म्स प्लांट है. तो जिम्नोस्पर्म में इस तरीके की कंडीशन नहीं देखने को मिलती है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, फ्लोइम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स इन. तो जिम्नोस्पर्म के जो फ्लोइम हैं वो एंजियोस्पर्म के फ्लोइम से किस तरीके से डिफर होते हैं. जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर सीव ट्यूब पाई जाती है. क्या प्रेजेंट होता है, सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है. किसमें, एंजियोस्पर्म के अंदर, SIEVE सीव ट्यूब. और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर सीव सेल प्रेजेंट होती हैं, याद रखिए सीव ट्यूब एंड सीव सेल. तो ये इनके अंदर कॉमन डिफरेंस है. So the correct answer must be having no sieve tubes. Then moving to question next 75, plant which flowers only once in its life is called, एक ही बार फ्लावर आते हैं, मोनोकार्पिक. Then moving to next, edible portion of mango is, तो खाने योग्य जो पार्ट है मैंगो का वो क्या है, मीजोकार्प. तो मैंगो का कौन सा पार्ट आप खाते हैं, मीजोकार्प. Then moving to next, the edible portion of coconut is, तो कोकोनट का जो एडिबल पोर्शन है वो मीजोकार्प नहीं है, एंडोस्पर्म होता है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी डी, एंडोस्पर्म. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट डेवलप फ्रॉम, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सीड कोट हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं, और जो ऑयल्स हैं इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ऑयल्स से इनका डेवलपमेंट होता है. So here the correct option must be C, ovules. Okay. Then moving to question next 79, pollination which occurs in a closed flower is called. Means condition is like that a flower do not open. And in such a flower, anther and stigma lie close to each other. Anther और जो stigma हैं वो एकदम पास में होते हैं और flower है वो open नहीं होता है. तो इस तरीके की जो condition है उसे cleistrogamy कहते हैं. So here the correct option must be B. Then moving to next, uptake of minerals like zinc, magnesium and iron across membrane in plant is by. तो एक प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है जिसे कहते हैं जिप ट्रांसपोर्टर, और इसी जिप ट्रांसपोर्टर से
जो प्लांट है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट का अपटेक करता है, जो आयंस है स्पेशली जो मिनरल्स। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन इन जाइलम सैप इज इन फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ग्लूटामिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेल पोलिनेशन इज, स्पेशली जो सेल पोलिनेशन है वो वीट में भी होता है, बैरले में भी होता है, ओट में भी होता है, टोमाटो, पोटैटो, एप्रिकोट, पिंच, कॉटन, कैरोट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कुछ कन्फ्यूजिंग है। सेल पोलिनेशन के यहाँ पर वीट भी है, कॉटन भी है एंड राइस भी है। सो यहाँ पर हम किसी ऑप्शन को करेक्ट नहीं कर सकते। सो इट्स अ स्टार क्वेश्चन। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, पोलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड, जो बैट हैं वो पोलिनेशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंटोमॉर्फी। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट, एन एम्ब्रियो समटाइम्स मे डेवलप फ्रॉम सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग, इज इट कॉल्ड। सो एम्ब्रियो है वो विदाउट मियोसिस से बना है और एग से नहीं बना है, एग के अलावा जो एम्ब्रियो का सैक है उससे वो डेवलप हुआ है, मतलब फर्टिलाइजेशन का इवेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ऐसी जो कंडीशन है उसे हम क्या कहते हैं, एपोगेमी कहते हैं। डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, व्हाट इज द एपोगेमी, एपोगेमी इज द रिप्रोडक्शन विदाउट द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स एंड यूजुअली विदाउट मियोसिस। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, 85, वेजल्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट, तो जनरली जो वेजल्स हैं आर टिपिकली फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जनरली पाई जाती हैं बट अब्सेंट इन मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स, एंड हियर इज द एग्जाम्पल पाइनस, पाइनस के अंदर जनरली वेजल्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, पीरल्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू आर प्रोड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा, सो पीरल्स हैं वो यूनियोस से प्रोड्यूस किए जाते हैं, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी यूनियो। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड फ्लूक ऑफ मैन, तो फेसियोकोला, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड फ्लूक ऑफ मैन कहते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, तो अर्थवर्म का जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है वो कौन सा है, पेरिस्टोमियम, और पेरिस्टोमियम के अंदर ही जो अर्थवर्म है उसका माउथ पाया जाता है। सो हियर द करेक्ट आंसर मस्ट बी बी, सॉरी। देन मूविंग टू नेक्स्ट, लंग बुक्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ, तो लंग बुक्स हैं वो एरेकिनिड्स हैं, उनके अंदर जनरली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, सो यह द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी बी। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टोटल लेंट्रंस, ये सियाचिन का एक माउथ पार्ट है, इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सियाचिन। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, 91, इंक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, सो इंक ग्लैंड है वो पाइला के अंदर पाई जाती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट,
एक्सोलोटी लार्वा प्रोसेसेस। तो एक्सोलोटी जो लार्वा है उसके अंदर एक्सटर्नल गिल्स भी होते हैं, कॉडल फिन्स भी होते हैं एंड लेटरली कंप्रेस्ड टेल भी होती है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी ऑल ऑफ द अबव। देन मूविंग टू क्वेश्चन 93, द माउथ पार्ट ऑफ हनी बी यूज टू माउथ वैक्स एंड एडेयर पोलनेज। तो कौन सा पार्ट होता है हनी बी का जो माउथ वैक्स एंड पोलन को अडेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लेब्रम। हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी बी लेब्रम। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एस्केरिसिस इज। तो एस्केरिसिस के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? सेप्रोजोइक है, मींस ये अब्जॉर्ब डिजोल्व साल्ट एंड सिंपल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी सेप्रोजोइक। देन मूविंग टू क्वेश्चन 95, कोलाजन प्रोटीन से है। तो कोलाजन किस तरीके का प्रोटीन है? फाइबरस प्रोटीन है, इसे एनिमल वर्ड प्रोटीन भी कहते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 96, अमंग द फॉलोइंग हावर्सियंस कैनाल अकरिंग। तो हावर्सियन कैनाल्स है वो जनरली ह्यूमरस के अंदर पाई जाती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, पैनक्रियाज इज रिमूव्ड। पैनक्रियाज को क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है, क्यों? एंड विच फूड पार्ट विल गेट इफेक्टेड। तो जनरली आपको पता है पैनक्रियाज से बाइल जूस सिक्रेट होते हैं, कुछ एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं, तो इनसे प्रोटीन है वो भी इफेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा एंड लिपिड भी होगा। तो सो करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। देन मूविंग टू नेक्स्ट, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज का होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 99, ओपन वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। सो ओपन वेस्कुलर सिस्टम जनरली फाउंड इन ऑर्थोपोड्स एनिमल्स, तो स्पेशली हियर द प्रोन इज ए करेक्ट ऑप्शन। देन मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, यूरिक एसिड इज ए चीफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन। तो यूरिक एसिड है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट किसके अंदर होता है? बर्ड्स के अंदर होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन बी मस्ट बी सॉरी सी मस्ट बी करेक्ट। सॉरी यहाँ पे बी नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड, ये 2018 का पेपर था एंड 2019 का पेपर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू अगेन।